been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीमिटी न्यूज। तो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा ईस्टर एग बताने वाला हूं जो कि हमें आयरन मैन में दिखा था बट हम कभी देख नहीं पाए, और आज वो हमें कंफर्म हुआ है। तो वो ईस्टर एग क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोनी स्टार्क के बारे में। तो टोनी स्टार्क जीनियस मिलियनेयर और उसके बाद एक हैकर भी है। जी हाँ, तो हैकर के साथ साथ उन्हें काफी सारी फाइलें शील्ड से चुरा चुका था, और शील्ड से चुराने के बाद उसे वो सारी फाइलें मिल गई थी। और देन आप जानते हो कि हॉवर्ड स्टार्क शील्ड के स्थापक थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। तो हॉवर्ड स्टार्क के मरने से पहले टोनी स्टार्क के पास काफी सारी फाइलें भी थी, तो वो सारी फाइलें उसकी एक मॉनिटर पे चल रही थी जिसमें कि काफी सारी मूवीज के रेफरेंस थे। तो वो रेफरेंस इसीलिए डाले गए थे जिससे कि इन फ्यूचर जो मार्वल की मूवी बने या ना बने, बट केविन फाइगी को वो रेफरेंस सारे डालने थे। तो एक रेफरेंस था थॉर का, कैप्टन अमेरिका का, एवेंजर्स का और एंटमैन का। तो एंटमैन का जो रेफरेंस था वो लिखा था गोलाइथ अपडेट। तो गोलाइथ एक एंटमैन का कैरेक्टर है जो कि आपको 2018 में एंटमैन द वास्प मूवी में दिखने वाला है। तो ये रेफरेंस सीधा आयरन मैन 2 से निकलता था। तो काफी लोगों को उम्मीद नहीं थी, केविन फाइगी तक को उम्मीद नहीं थी कि हम एंटमैन द वास्प मूवी बनाएंगे और फाइनली उसे कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो आप लोगों को समझ में आई गया होगा कि जो एक छोटा सा रेफरेंस जो कि टोनी स्टार्क नहीं समझ पाया था, बट वो आज गोलाइथ नाम का एक अपडेट हमें सीधा एंटमैन द वास्प मूवी में देख पाएगा। अब गोलाइथ कौन है? तो गोलाइथ हैंक पेन का बहुत ही अच्छा असिस्टेंट था जो कि उसके साथ काम करता था, बट गोलाइथ एक चीज में सक्सेस हो गया था, वो था बड़े होने में। जी हाँ, क्योंकि हैंक पेन भी पहले एंटमैन थे और गोलाइथ उनकी मदद करते थे एक लैब में, और देन गोलाइथ फिर उन्हें छोड़ के चले गए। तो ऐसा क्या हुआ ये हमें पता नहीं, बट ये पुरानी स्टोरी हमें 1966 की एंटमैन द वास्प मूवी में ही दिखेगी कि उनकी बीबी कहाँ चली गई, गोलाइथ के संग क्या हुआ था। तो ये सब कुछ हमें एंटमैन द वास्प मूवी में दिखेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस था वो हमें केविन फाइगी ने दिया कि फाइनली एवेंजर, कैप्टन अमेरिका से सारे रेफरेंस हमें एक मॉनिटर पे दिख गए थे, बट आज तक हमने कभी नोटिस ही नहीं करे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और देन जो गोलाइथ का अपडेट था वो हमें आयरन मैन 2 में ही पता चल गया था, जैसे कि पीटर पार्कर का। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर ड्रैग्स के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय, जा रहा हूँ।